subscribe our channel and hit the bell icon to get the latest update of your world. नजर में इस बार पिया के घर को लग गई है छलायन की नजर, और जब छलायन घर के अंदर आ जाती है तो एक एक करके हर किसी को अपना निशाना बनाने लगती है। जैसे कि सबसे पहले छलायन के निशाने पर थे शेखर जी, और फिर उसके दूसरे रूप ने अविनाश के सर पर जगह बना ली, और अब एक और छलायन बन चुकी है जो कि वेश्री के सर पर बैठ गई है। एक ही घर में तीन तीन छलायन, तो फिर बहू रानी का ये फर्ज बनता ही है कि वो अपनी सास और ससुर जी को इस खतरे से बचाए, और अगर बहू दैविक हो फिर तो ये जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। तो लीजिए, पिया अब अपनी शक्तियों से छलायन का मुकाबला करेगी, लेकिन सिर्फ दैविक शक्तियों से नहीं, बल्कि उसके पास उसके सर्पिका की शक्तियां भी वापस आने वाली हैं। जी हाँ, वो अंगूठी जो कि पिया की माँ ने उसे दी थी जब वो सर्पिका बनी थी, वही अंगूठी एक बार फिर से पिया के पास आ जाएगी, और फिर सर्पिका बनी पिया छलायन के छल से अपने घर को बचाएगी। तो ऐसे ही नजर से जुड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल 24x7 ऑनलाइन न्यूज। न्यूज रूम की रिपोर्ट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट ऑफ योर वर्ल्ड।